आम का एक समुंदर होगा। ये गैंग ऑफ थ्री जो है, इन्होंने कर्नल कजाफी का माल नहीं छोड़ा। इमरान खान मुझे भेजा करते थे जब ये पिच से बाहर खेलने जाते थे। इन्होंने सद्दाम का माल नहीं छोड़ा, इन्होंने बिन लादन का माल नहीं छोड़ा, क्योंकि माल इनका माई बाप है और माल से लोगों के जमीर खरीदे जा रहे हैं। और जब जरूरत पड़ती है ये भिगोड़े भागते हैं। मुझे अच्छा याद है ने खादमैन ने अरमैन शरीफैन ने फौज पर बहुत जोर दिया और ये सऊदी अरब भागने में कामयाब हो गए। बाद में उनको बड़ा अफसोस था कि एक गलत आदमी को हमने पना दी। अब ये बीमारी के मैनेज करके बीमारियों को, ये भागने वाले लोग, भाग तो शहबाज शरीफ भी रहा था, एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, वरना ये भी वहीं होता। और वहीं से जो कुछ इन्होंने अजीम अफवाज पाकिस्तान के बारे में लंदन से बैठ के कहा, ये डूब मरे, चिल्लू भर पानी लेकर डूब मरे। और जो वोट को इज्जत दे, ये इज्जत दे रहे हैं। और वाजबी सी रैली है इनकी लाहौर से जो आ रही है। 28 तारीख को हमने नून लीग को भी इजाजत दी है, 3 या 4 को एतमाद का वोट होगा, अगर 28 को रेजोल्यूशन पेश हो गया तो। लेकिन मैं इनको एक बात वाजे कर देना चाहता हूं, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, ये बात जुमला मैं पहले बोल चुका हूं, मैं कभी धुराता नहीं, लेकिन इमरान खान मुझे कहता है कि जुमला धुराया करो, वो आखिरी बॉल तक इनसे खेलेगा और आखिरी ओवर खेलेगा और तुम भूल जाओगे। इख्तदार के भूखों का ये हफ्ते का जो प्रोग्राम है 4 तारीख तक, वो याद रखें कि इनकी नाअहली और नालायकियों से इमरान खान मकबूल हो गया है। वरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। अभी मैं 2 बजे 3 बजे की बजाय 2 बजे कर दिया कि लाल हवेली से जलसे की रैली के साथ आऊंगा थोड़ी दूर तक, क्योंकि मैंने दूसरे इंतजाम करने हैं। 7 दिन के लिए तमाम कौम को बताना चाहता हूं, 920-666-921-8594, 920-666-921-8594 हमारा कमांड एंड कंट्रोल वजारत दाखिला का 24 घंटे खुला है और मैं यहां मौजूद हूं। सारा इस्लामाबाद खुला है, अफवाहों पर जाने की जरूरत नहीं है। तमाम इस्लामाबाद को, लेकिन इमरान खान जल्दी की बात कह रहा है, दुरुस्त कह रहा है। अभी लोग साहिवाल से चल रहे हैं, मुल्तान से चल रहे हैं, फिर तो ये देर हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान 5-5:30 बजे अपना खिताब करना चाहते हैं। हालांकि जो सियासी कमेटी है उन्होंने मुसलसल और कई बार ये कहा कि आप इसको लेट करें, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहे और वो जल्दी तकरीर करना चाहते हैं डे टाइम में, इसलिए लोग जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। किसी जगह कोई रुकावट हो, हमारे पास 6,000 रेंजर्स एफसी और 9-10,000 हमारी फोर्सेस अमन व अमान के लिए मौजूद हैं। और मैं JUI से तोके रखता हूं कि वो कश्मीर हाईवे पे, खास तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने श्रीनगर हाईवे, जिसको कश्मीर हाईवे पहले कहते थे, उसका हुक्म दिया है इन ऑर्डर में कि उसको खुला रखा जाए। और अगर इस पर आप आते हैं और कोई तसादम करते हैं तो फिर कानून जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने हिदायत की है उस पर अमल करेगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। मैं फिर ये कहता हूं, आपका एहतराम सर आंखों पे, ये आपका हक है आप रैली करें, ये आपका हक है, आप जो आपको जगह दी गई है, जो वक्त आपको दिया गया है वो आपका खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपने को फड्डा डालने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक इस्लामाबाद की इंतजामिया एक्शन लेगी और उनको फ्री हैंड है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुल्ली अमल कराया जाए।
और थर्डली जो बात मैं कहना चाहता हूं और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, इनका जमहूरियत का मियार इतना गिर चुका है गैंग ऑफ थ्री का कि कातलों को भी दुबई से बुला रहे हैं और सारा मीडिया कह रहा है भाई एक साफी को कत्ल किया भागे हो इसको। मैंने DGFIA को कहा कि सुबह की फ्लाइट पर वो आ रहा है 29 की सुबह, शायद वो ड्रामा कर रहा हो, उतरे कराची और कह रहे हैं प्रोटेक्शन बेल हुई हुई है। मैं तमाम दुनिया से पूछना चाहता हूं, मेरे पास इलम नहीं है, क्या कोई ऐसा कानून है कि गैर मुल्क में बैठ के आदमी बेल ले? मैंने तो सारी सियासत में यही सुना है, जेलें हमने देखी हैं, बेगुनाह 7-7 साल कैद काटी है जी, कोर्ट मार्शल हुए हैं या खान के, कोड़ों से बचे अल्लाह ने बचाया आखिरी रात को। मैंने तो नहीं सुना कि बंदा दुबई में बैठा हो और उसकी 10 दिन की प्रोटेक्शन की बेल हो। उन सारे के सारे मुलजमों को ECL में डाला है और उनको गिरफ्तार करेंगे जब वो लैंड करेंगे। और जहां तक के आज तारीखी एक जलसा हो रहा है, मैं JUI से खसूसी तौर पर यह कहना चाहता हूं कि श्रीनगर हाईवे को खुला रखा जाए, जो इलाका आपका है वो रहें, आपका टाइम खत्म हो चुका है। ये टाइम ये जगह 28 तारीख को नून लीग ने ली है, बड़े शौक से वो नून लीग जलसा करे। और अगर आपका मकसद कोई इंतशार खलफशार या हंगामा राई करना है या लोगों के रास्ता रोकना है इमरान खान के जुलूसों का, ऐसा नहीं होगा। हम यहां बैठे हैं 24 घंटे ड्यूटी पे बैठे हैं और आज तमाम ड्यूटियों को मैं खुद अपने कंट्रोल रूम से चेक कर रहा हूं कि तमाम हमारे काबिले एहतराम ऑफिसर जिन्होंने OIC में भी जबरदस्त ड्यूटी दी वो अपनी जगह पे कायम है। और जो बातें आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है, अंदाजा करो बेटियां बैठी हैं यहां, बिलावल इस्तीफा मांग रहा है इमरान खान से, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं बस कल उसने आखिरी तकरीर करनी है, और फजलुर रहमान साहब अल्लाह से खैर की मदद मांगो। ये सारा गैंग ऑफ थ्री जो है, जो नतीजा भी निकले मेरे पास अंदर की खबर है तुम्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा, और इमरान खान छा जाएगा। इमरान खान आएगा जिस दिन वोट होंगे, वो असेंबली से जीते या अवाम में जीते, अवाम में वो जिंदा हो गया, अवाम वो आएगा और छा जाएगा और तुम देखते रह जाओगे और इस्लामी मदरसों को अपने इख्तदार के मफाद में मत झोंको। ये मदरसे इस्लाम के मीनार हैं जहां काला काला रसूल अल्लाह का नाम लिया जाता है। और बाकी भगौड़ों की पार्टी तो आपको पता है, जिनकी पाकिस्तान में ना औलादें हैं, नेशनलिटियां लंदन की है, जिनके अकाउंट हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, इस कौम को लूटने के लिए आते हैं। ये सियासी कफन फरोश जो है, ये सियासी कफन फरोश इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे अपने सियासी अंजाम को पहुंचेंगे। कितना टाइम लगे ये नहीं मैं कहने चाहता, ये मेरी रिकॉर्डिंग रख लें कि मेरे पास खबर है वो नहीं होने जा रहा जो तुम सोचे बैठे हो। ये तुम्हारी एचकन शहबाज शरीफ साहब नेकर बन जाएगी। और आप जो ये समझ रहे हैं कि इख्तदार आपकी झोली में आएगा, नहीं आएगा। इमरान खान जिसका नाम है, आज उसकी तकरीर हो ले, उसके बाद मैं रोजाना इंशाल्लाह 4 तारीख तक आपको कंट्रोल रूम से नीचे आके आपसे प्रेस टॉक करूंगा 4 तारीख तक। वैसे तो रोज ही आपसे मोहब्बतनामा हो जाता है, अगर आपका कोई सवाल हो 5 मिनट मेरे होगा। जहर है उनका, नवाज शरीफ का आपको देखो वो मैनेज करते हैं, पैसे वाले लोग हैं, माफियास कहां से आते हैं, ये शुगर मिल वाले, ये घी मिलों वाले, ये आप्टमा वाले, ये माल लगाते हैं, फसा बना देते हैं कि जनाब वो मरने लगा है, उसके पता नहीं प्लेट्स कितने कम हो गए हैं।
और बाद उसके रिंग प्लेट भी किसी ने नहीं देखे कि रिंग पिस्टन भी उसके कचरा फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ। देखे मेरा काम है, देखे कोई वाकया मेरी जान मेरे भाई, मेरा काम है कौम को बाखबर रखूं। मैं ऐसा वजीर दाखला नहीं हूं कि कल कोई बात हो जाए OIC की, मैंने एक बहुत बड़ी खबर रखी हुई है कि मुलक दुश्मन इस OIC को तबाह करना चाहते थे। OIC में मुलक दुश्मन एक बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे थे, जो हमारी अजीम अफवाज ने, हमारी एजेंसियों ने, पुलिस ने, सब ने मिलकर उसको बेहतर बनाया और ठीक किया। देखें इलेक्शन चार बातें मेरी, कभी इमरान खान ने मेरी ना नहीं की मेरी बात की, क्योंकि मैं गरीब की आवाज हूं इस काबीना में। मैं हमेशा जब रेट देता था चीनी के, आटे के, दालों के, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये अभी तक वही शेख है, पुराना ही शेख है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मुल्क में इमरान खान के हाथों ऐसा इनकलाब आए कि ये चोर और लुटेरे जो हैं, ये जमीर फरोश ब्लैक मेलर जो हैं, जो वक्त आने पे अपनी बोली लगा लेते हैं, पैसे भी वसूल कर लेते हैं, जमहूरियत का भी सत्यानाश कर देते हैं, मुल्क को भी पीछे फेंक देते हैं, ऐसे जमीर फरोश ब्लैक मेलरों का खात्मा हो और मसाइल ज्यादा लोगों की आवाज असम्बली में उठे, मसाइल ज्यादा लोग असम्बलियों में आए, ये मेरी ख्वाहिश है। बाकी मैंने चार बातें उनसे कही थी कि सिंध के हालात खराब हैं, वहां गवर्नर आज लगाया जाए, उन्होंने मेरी बात मुस्तरद की। मैं एमरजेंसी लगाने का हामी था, उन्होंने, इमरान खान ने मेरी बात मुस्तरद की, और मैं अर्ली इलेक्शन का इससे पहले हामी था। ये नहीं कि अब हालात बने हैं, ये तो अल्लाह ने कमाल किया कि इनकी बेवकूफियों से इमरान खान के, जब मैंने कल भी ये बात की है कि बजट पास करा के, एक जबरदस्त बजट पास करा के हमें आवाम में जाना चाहिए, और आवाम अगर वाकई चाहती है कि यहां इनकलाब आए, यहां गरीब की बात सुनी जाए, क्योंकि ये हकीकत है कि हमारे दौर में महंगाई थी, हमारे दौर में गरीब को वो सहूलत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, इसलिए कि इन चोरों ने इतना खजाने को लूटा कि इमरान खान के हाथ बंधे हुए थे। हमें एक अच्छा बजट दे के गो, ये PTI वाले मेरी बात को, मैं तो सिर्फ एक नाला लई मेरा मसला रह गया, मैं तो शायद रिटायरमेंट ले लूं। पिछला इलेक्शन भी मैंने इसलिए लड़ा कि नवाज शरीफ ने कहा कि अगली असेंबली में ये नहीं होगा, मैं होऊंगा। मैंने कहा नवाज शरीफ आप नहीं होंगे, मैं होऊंगा। मेरा एक ही इशू रह गया, यूनिवर्सिटियों का, हमारी तालीम फर्स्ट क्लास है, हेल्थ हमारी जबरदस्त, हॉस्पिटल हो गए नए हो गए, यूनिवर्सिटियां हमारी चार नई हो गई हैं, एक नाला लई रह गया, उसके अलावा मेरा जाती सियासत था। मैं आपको पता है सारी उम्र में आपसे बड़ा भी हूं, उम्र में मेरे आपके दो पीस निकलते हैं मेरे में से, मैं कभी सूबे की सियासत नहीं करता। जो उन्होंने बात कही, जो मैं कह सकता हूं, देखें इमरान खान इमरान खान है, मुझे, मैं वो बात कहता हूं जो पार्लिमानी दायरा कार में हो, इमरान खान की किसी जो बात है मैं उस पर एक लाइन का तबसरा करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनी, किसी आर्मी चीफ से नवाज शरीफ की नहीं बनी, हालांकि ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। और बिलावल साहब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि गुल हमीद का, गुल हमीद तो नवाज शरीफ के टिकट दिया करता, मैंने गुल हमीद से इलेक्शन का टिकट लिया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। मैं कौम के सामने कहना चाहता हूं, और बिलावल साहब जरा पूछे कौन माल खाता था, मैं जाता था कर्नल कजाफी के पास, कौन माल खाता था सद्दाम का, आप अपना, आपकी हुकूमत बिलावल साहब उलटने के लिए उसामा बिन लादन से किसने माल लिया था, अगर तारीख में बातें हुई तो बहुत दूर जाएंगी। और मैं बिलावल से कहना चाहता हूं कि इमरान खान की फैमिली तक ना जाए, मेरी उसको आखिरी बार नहीं है। अवाम फैसला करे, फैसला की बात कर रहे हैं, अगले इलेक्शन के बाद तो अपोजिशन भी कह रही थी, तो ये अपोजिशन की जीत होगी।
अवाम फैसला करे, फैसला जो है अवाम ऐसे लोगों को लाए जो बिकने और बकने वाले ना हो, असली और नस्ली हों, ब्लैक मिलर ना हो। जहाँ खड़े हों, हमने इमरान खान के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा है। अब इस वक्त हम अपने मतालबों की बात करें कि नाला लई कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें सिर्फ 5 मिनट कौन काफ लीग मुझसे वैसे ही नाराज हो जाती है। मेरे उनके बड़ों से तल्लकात थे, मैं उस तल्लकात के एहतराम में रहता हूँ। ख्वाजा, मैं आप पहले कह चुका हूँ कि ख्वाजा सफदर मरूम चौधरी जहरुल्लाही, ख्वाजा रफीक मेरे सामने शहीद हुए, मैं इस अगली नस्ल से ना मेरा रबता है। चौधरीयों का शुजात मेरे लिए काबिल एहतराम है। इसका ये आप टाइम थोड़ा रह गया ना, ये फवाद चौधरी से पूछें जी। बिल्कुल नहीं, इतना बोला नहीं है इमरान खान। इंशाल्लाह आर्मी चीफ अपना वक्त पूरा करेंगे और जब वक्त आएगा उस वक्त वो फैसला करेंगे। ये दो चीज़ों की मैं तरदीद कर रहा हूँ, कोई कहीं नहीं जा रहा, सारे इस्लामाबाद के रास्ते खुले हैं। हर सूरत में अमन को बरकरार रखेंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। किसी ने कानून को हाथ में लिया उसको हाथ में लेंगे, चाहे उसका नतीजा क्या निकले। जी बेटा, देखें अगर वो शाम को इमरान खान साहब का जलसा है, हमने मुख्तलिफ रास्ते और भी बना लिए हैं। एज ए इंटीरियर मिनिस्टर मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं कोशिश करूं कि अदालत के फैसलों को भी एहतराम दिया जाए और कोई तसादम भी ना हो, और अगर तसादम उन्होंने करना है तो फिर बच नहीं सकेंगे कानून के दायरे से, कानून हरकत में आएगा। मैं पैदा हुआ था ना स्कूल, जब इलेक्शन में स्कूल में भी कैद हो गया था, मैंने स्कूल की भी कैद काटी है। यही बातें सुनते हैं, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, फजलुर रहमान कल धक्का दे रहा था, ये ना पीछे ही धक्का उसको लग जाए। अपनी उम्र देखो तो धक्का दो ना। इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा है, इनके इंजन धुआं दे चुके हैं। 70 साल से ये मुल्क की सियासी, जमहूरी, इकतसादी और असूली बेरुमती कर रहे हैं। और जो लोग, वक्त बताएगा आपको, इमरान खान इतना मकबूल हो जाएगा कि ये तर्स, मैं नहीं, मैं आपको पता हमेशा कोई सारे जितने भी, ये मेरी 15वीं वजारत है, कोई इलेक्शन का सिंबल ऐसा नहीं है जिस पे मैं इलेक्शन नहीं लड़ सका, कलम दोआत से लेके सेब तक और चांद तक। ये वो लोग जो मोहताज होते हैं, मैं तो अल्लाह का मोहताज हूँ। लास्ट क्वेश्चन, टाइम पूरा हो गया। मैं तहसील हरिपुर मेरे अंडर नहीं आती, इमरान खान को खुदा बचाएगा, और अगर वो अदम एतमाद में नहीं बच रहा तो अल्लाह उसको बहुत इज्जत देने जा रहा है, इससे भी अब बड़ी इज्जत देने जा रहा है। वो दो तहाई अक्सरियत से है, अल्लाह को कहता हूँ। देखें एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के हालात का तकाजा है कि हुकूमत कंटिन्यू करे। लास्ट क्वेश्चन, अगर खबर आपके पास है तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। मैंने ये कहा था जिस जिसने माल खाया, कोई बात नहीं, ये आराम का माल है, इनके कौन से बाप का माल है, ये मकसूद चपड़ासी का और मसरूर का और पापड़ वाले का और दही भल्ले वाले का और चाट वालों के अकाउंटों का अरब अरब है। अगर कुछ एमएनओ ने ले लिया खैर है, लेकिन इमरान खान के साथ आना है। वज़ीर दाखला शेख रशीद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से अपोजिशन जमातों को आखिरी वार्निंग दी गई है और उन्होंने अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पैसे वाले हैं, पैसों से चीज़ों को मैनेज करते रहे। इसके अलावा उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी वार्निंग दी कि इमरान खान की फैमिली तक ना जाएँ, ये उनको आखिरी वार्निंग है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। ऐसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब। समी साहब बहुत शुक्रिया।